उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी विरासती जुदानी मंदिर के पास हेलीपैड के लैंड करने वाले हैं उनका हेलीकॉप्टर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का विरारस्थित जुगानी मंदिर के पास हेलीकॉप्टर लैंड हो रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी विरार में पहुंच गए हैं, हेलीपैड पे उनका हेलीकॉप्टर लैंड होने जा रहा है। ये हेलीकॉप्टर लैंड कर रहा है विरारस्थित जुगानी मंदिर के पास हेलीपैड पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी विरार की धरती पर पहुंच गए हैं। आ गए ये भारी सिक्योरिटी, योगी आदित्यनाथ जी के कमांडोज हेलीकॉप्टर की ओर बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हेलीकॉप्टर से बाहर निकलते हुए और यहाँ पर लोगों का जमावड़ा है और लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बोलो भाई एक बार, जय श्री राम, 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 जय श्री राम। किसको जाने में देगी, नेता हो या फिर नेता हो वैसे मिलते चले जाए। हाँ उतरा उसे, जब तक एनएसटी नहीं तब तक बाबा भी नहीं उतरा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लोगों को हाथ दिखाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कमांडोज घेरे हुए उन्हें सुरक्षा के लिए, पुलिस की टीम और आगे यहां पे वसई विरार के स्थानीय नेता और पदाधिकारी बीजेपी के मौजूद हैं। योगी आदित्यनाथ जी लोगों से अभिवादन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। साथ में योगी जी के चंद्रशेखर बावनकुले बीजेपी अध्यक्ष महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कॉन्वे तैयार है जो वसई विरार के स्थानीय भाजपा नेता और पदाधिकारी हैं उनका सम्मान कर रहे हैं। मैं अभी घूमेंगे।
सफारी में बैठ के निकल गए। योगी जी कार में बैठ गए हैं, अब ये काफिला आगे बढ़ेगा। लोगों से अभिवादन करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। ये योगी आदित्यनाथ जी का काफिला आगे बढ़ रहा है, अब ये सीधे नाला सुपारा जनसभा के पास जाएगा और वहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी अपना संबोधन देंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। और देखने वाली बात ये होगी कि आज जनसभा में ये क्या बोलने वाले हैं। ये काफिला आगे बढ़ गया।